Hello and welcome students, welcome to a new session of English. We'll start with unit 2. 2.1 from a railway carriage. This is a poem written by R.L. Stevenson. ये poem R.L. Stevenson ने write की है. Okay, इसकी जो poet है वो R.L. Stevenson है. ये poem में आपको क्या बताया गया है? From a railway carriage. Railway carriage means जब हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं. तो वैसे ही जब पोएट ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो इस पोएम में हमको बताया है. ये रियल ऑब्जर्वेशन बेस्ड पोएम है. ओके, सो वी स्टार्ट विद द पोएम. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड टू राइट द मीनिंग्स. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. Faster than fairies, faster than riches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, and all through the meadows the horses and cattle. अब ये observation है. Faster than fairies, faster than riches means जो train है, जब train start होती है तो कैसे चलती है. Faster than fairies, faster than riches means फेरीज, जो जादूगर होते हैं, जो फेरीज होती है परिया, उनसे भी ज्यादा फास्ट ये ट्रेन चलती है. आप अगर ट्रेन में बैठे होंगे, अफकोर्स बैठे ही होंगे, तो आपने वो ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन में कि कैसे कैसे होता है. ब्रिजेस एंड हाउसेस, आप जब ट्रेन में बैठे हो और आप सबसे पहले क्या करते हो, ट्रेन में बैठे हो तो आप सबसे पहले विंडो सीट ढूंढते हो. अगर आपको विंडो सीट मिल गई तो विंडो के बाहर आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो. ब्रिजेस एंड हाउसेस, कंटिन्यू जब ट्रेन चलती है कभी ब्रिज पास होते हैं, कभी हाउसेस पास होते हैं. हेजेस एंड डिचेस, यह हेजेस एंड डिचेस का मीनिंग लिख लो. हेजेस, अ रो ऑफ श्रब्स और प्लांट्स. हेजेस, अ रो ऑफ श्रब्स और प्लांट्स. ओके, डिचेस, अ नैरो चैनल डग. अब हेजेस, जब ट्रेन चलती है आप अगर बाहर देखोगे तो जो रोड होता है, रोड के कॉर्नर में पूरी लाइन ऐसे छोटे 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 श्रब्स या प्लांट्स की होती है. कंटिन्यू आपको ग्रीनरी दिखती है, उसको हेजेस बोलते हैं. एंड डिचेस, अ नैरो चैनल डग. बीच बीच में देखो एक आप नाला बोल सकते हो, ऐसे खड्डा आता है उसमें परमानेंट या तो नाले का पानी होता है या तो फिर जब बारिश होती है तो उसका पानी फिल हो जाता है, तो उस चीज को डिचेस बोलते हैं. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. अभी जो बैटल के जब ट्रूप्स, पूरे ट्रूप्स एक साथ चलते हैं, आपके ऐसे आवाज आती है ना टक टक टक, तो वैसे जब ट्रेन चलती है तो कंटिन्यू आवाज आती है. ऐसा लगता है कि जो बैटल के लिए ट्रूप्स है, पूरा ट्रूप्स एक साथ निकला है. ऑल थ्रू द मेडोज द हॉर्सेस एंड कैटल्स. मेडोज हियर मींस फील्ड्स. फील्ड्स जो होती है ना, आपको ट्रेन में से फील्ड्स दिखती है, पूरा ग्रीनरी एरिया, एक पूरा ग्राउंड होता है, खुला मैदान, और उसमें क्या होता है, हॉर्सेस और कैटल्स जो है वहां दिखते हैं आपको दूर से. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन्स फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. एंड एवर अगेन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन व्हिसल बाय. All of the sides of the hills and plains, मतलब अपन बोल सकते हैं कि आपकी पलक झपकते से जो चीजें हैं वो आके चली जाती है. जैसे हिल्स हुआ, प्लेन्स हुआ, जो भी आप देखोगे, और अगर यहाँ टर्न हुआ तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है. अगर आप ट्रेन के बाहर देखोगे और अगर आपका आप वापस से अंदर देखोगे, रिटर्न वो चीज दिखेंगी कि नहीं, क्योंकि ट्रेन इतनी फास्ट होती है कि आपको दोबारा वो चीज नहीं दिखेंगी. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसे कोई जैसे तेज बारिश का एकदम से झोंका आता है और वो चला जाता है, वैसे ही जो चीजें है, जो आपको साइड दिखता है बाहर से, जो चीजें दिखती है वो वैसे ही आती है, तेज बारिश के झोंके जैसी आती है और चले जाती है. एंड एवर अगेन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन व्हिसल बाय. मीन्स कोई कोई ऐसी जगह होती है जहां ट्रेन नहीं रुकती है, हर एक स्टॉप पे ट्रेन नहीं रुकती है, तो एक आपकी पलक झपकते से ही एक स्टेशन आता है, मतलब स्टेशन का आपको बोर्ड देखेगा पेंटेड स्टेशन, और विसल सीटी बजने की, जो गार्ड होते हैं वो सीटी
अगर वो स्टेशन पे वहां ट्रेन नहीं रुकने वाली है तो पहले से वहां के पब्लिक को इंटीमेशन दिया जाता है सीटी बजा के रेड कलर का फ्लैग बता के, तो पेंटेड स्टेशन विसल बार। नेक्स्ट यर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। यर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड ग्रेजेस एंड देयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रेनिंग द डेजेस। Means here is a child who clambers and scrambles. Clambers means climbing in an ungraceful manner. Scrambles का meaning लिखो, to move over something very quickly. Scrambles to move over something very quickly. Means और क्या रियल ऑब्जर्वेशन किया है उन्हें, यर मतलब उनके पास में क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है जो ऊपर सीट पे ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है, फिर स्क्रैम्बल्स मूव क्विकली इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड बाहर उसने क्या ऑब्जर्व किया है एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स क्या होता है, ब्रैम्बल्स एक काटे झाड़ बोल सकते हैं आप, जिसके ऊपर पर्पल कलर के फ्रूट्स लगते हैं उसको ब्रैम्बल्स बोलते हैं। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड ग्रेसेस। ट्रैम्प मीन्स अननोन पर्सन। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड ग्रेसेस। वहां एक अननोन पर्सन है जो आपको मतलब कोई चीज कंटिन्यू कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहां इतने लोग होते हैं ना ट्रेन में, सब अलग 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 अपनी अपनी एक्टिविटीज करते, तो उन्होंने एक अननोन पर्सन के बारे में बोला है जो सिर्फ खड़े रहकर क्या कर रहा है, गेज मींस देखना, किसी को देखना। एंड देयर इज अ ग्रीन फ्रॉम स्क्रीनिंग द डेजीज। अब डेजीज क्या है, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं ना, तो वहां बाहर ग्रीनरी में उनको क्या दिख रहा है, डेजीज दिख रहे, व्हाइट फ्लावर्स दिख रहे। स्ट्रिंगिंग मीन्स स्ट्रेचेज इन लॉन्ग लाइन। मीन्स आपने देखो गजरा देखा होगा व्हाइट कलर के फ्लावर्स का गजरा, ये उसका ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें एक चीज नोट करो, दो वर्ड्स यूज किए, यर दे। यर मीन्स जो उनके पास चीजें हैं उनके लिए उन्होंने वो यर का वर्ड यूज किया है, और जो उनसे दूर है उनके लिए उन्होंने देर का वर्ड यूज किया है। सो यर दे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड lumping along with man and load, and here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone for ever. Here is a cart, मतलब उनको थोड़ा पास में उनसे क्या दिख रहा है, कार्ट दिख रहा है। अब अपने को बताया नहीं कि बुलक कार्ट है कि हॉर्स कार्ट है, सिर्फ कार्ट है, तो उनको एक कच्चे रोड पे क्या दिख रहा है, कार्ट चलते दिख रहा है। रन अवे इन द रोड lumping along with man and load. लंपिंग मीन्स हैवी, उनके पास हैवी सामान है, लोड मीन्स सामान भी है और एक मैन भी है जो उसको चला रहा है। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। उनके थोड़े पास में क्या है, मिल है। मिल क्या बोलेंगे आप, फैक्ट्रीज है ना। एंड देयर इज अ रिवर, और जो दूर उनको क्या दिख रहा है, रिवर दिख रहा है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। ग्लिम्स मीन्स अ मोमेंट्री व्यू, मतलब ये सब चीजें जब आपको दिख रही है ट्रेन में से, सिर्फ एक मोमेंट्री व्यू है, सिर्फ वो दिखती है गायब हो जाती है, दिखती है कोई चीज आपको कॉन्स्टेंटली एक आध घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए नहीं दिखेंगी आपको ट्रेन में से। आप अगर नहीं ये सब चीजें ऑब्जर्व किए होंगे तो कभी आप ट्रेन का ट्रांसपोर्ट करोगे, आप ट्रेन में बैठोगे तो आप ये सब चीजें ऑब्जर्व करो कि क्या क्या होता है। तो जब आप विंडो सीट पर बैठते हो ना तो ये सब चीजें आपको अब मूवमेंट दिखेंगी, बस दिखेगी और गायब हो जाएंगी। आप बहुत सी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो उस पर। जब आप विंडो के बाहर बैठोगे आपको फील्ड्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, ट्रीज, बुशेस, फ्लावर्स, फैक्ट्रीज, रिवर्स, बहुत सी चीजें आपको दिखेंगी। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे। ओके, और ये रियल ऑब्जर्वेशन बेस्ड पोएम है। सो वी एंड विद द पोएम हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। Thank you.